कुसुम ने हमें देख लिया, अब क्या करें? प्यासा कुएं के पास आ जाए तो क्या बात? अच्छा है कुसुम तुम्हें खुद ही मिल गई। वैसे मैं तुम्हें उससे मिला नहीं वाली थी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारी ये शिमला की ट्रिप मैं नहीं प्लान की थी। कुसुम, कुसुम, एक बात सुनो। लगाओ मुझे, हाथ पर लगाओ। जो देख रही हूँ वो क्या काम है? जो सुनने का और कुछ बाकी रह गया? कुसुम, जो तुम समझ रही हो। क्या समझ रही हूँ मैं हमें? क्या समझ रही हूँ मैं? तुम जानते भी होगे इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं समझ सकता हूँ कुसुम कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन मुझे समझाने का मुझे कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं समझ आ रही। मैं हूँ कौन? मैं कौन हूँ तुम्हारी जो तुम मुझे सफाई पेश करते हो? कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस तरह अंधेरे में रखने का कोई हक नहीं था तुम्हें अभय, कोई हक नहीं था। इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में रोशनी की किरण क्यों जगाई तुमने? क्यों दुनिया की ऊंच नीच दुख तकलीफों सबके साथ समझौता करके मैं अपनी जिंदगी जी रही थी ना अकेले? क्या जरूरत थी मेरा हाथ सामने का वादा करके छुपे छोड़ के चले जाने? क्यों किया तुमने ऐसे अभय? क्यों किया? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ताशु के साथ पाऊंगी। सालों बाद अभय, मैं जानना भी नहीं चाहती कि क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से तुम यहां ताशु के साथ। कसम मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरा यकीन मान, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। हमारी शादी थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे साथ दोबारा जिंदगी बिताने की खुशियों को पल पल जी रही थी, लेकिन तुम नहीं आए। मैं इंतजार करती थी लेकिन तुम नहीं आए। मुझे तो तुम छोड़कर चले गए, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ अपने माँ बाप को इस तकलीफ में छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज मैं यहाँ हूं ना कुसुम, तो सिर्फ उन्हीं के लिए, और मैं यकीन मैं घर वापस आऊंगा जरूर। रही बात ताशु, ताशु का नाम मत लेना मेरे सामने। आप ताशु कौन है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और वो किस हद तक जा सकती है वो भी जानती हूँ। कसम प्लीज आप, मैं मुंबई वापस जाऊंगा। तुम यहाँ अपने एक्स वाइफ के साथ खुशी खुशी से रहो, आई डोंट केयर। और दूसरी बात, तुम अपने माँ बाप को इस मुसीबत से छोड़ सकते हो, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जब तक उन्हें इस मुसीबत से बाहर नहीं निकालूंगी, आई वॉन्ट लीव दम अनटचड। आई डोंट नीड यू फॉर दैट मिस्टर अभय कपूर, आई डोंट नीड यू। पापा से मिलकर आ रही हूं, वो इतने दिनों से यहीं शिमला में थे। क्या पापा यहां है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर पापा यहां होते तो मुझसे मिलने जरूर आते। वो आप किसी से मिलने नहीं आएंगे। भाभी आप क्या कह रही हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते भैया, और वो इस तरह गायब क्यों हो गए? तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं मेरे पास सोहन, अपने भैया से ही जाके पूछो कि वो कहां थे और क्या कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानती हूं
कि मेरा मिस्टर अभय कपूर के साथ अब कोई लेना देना नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ नानी जी, मैं सच कह रही हूँ। और इतना ही नहीं, जिसके साथ मैंने अभय को देखा वो कुसुम। बेटा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कुसुम देखो देखो बेटा, तुम रोना बंद करो। मुझे ये बताओ अभय किसके साथ रह रहा है? बेटा प्लीज बोलो। कुसुम कुसुम प्लीज प्लीज मुझसे बात करो प्लीज। ताशु के साथ। ताशु? दादी जी मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस मुंबई आ रही हूँ आप लोगों के पास। हाँ कुसुम बेटे, तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। क्या हुआ भाई साहब, किसका फोन था? कुसुम का फोन। कुसुम का फोन? क्या कह रही थी? कुसुम वापस आ रही है और कुसुम शिमला में अभय से मिली थी। क्या अभय शिमला में क्या कर रहा है? और क्या कहा कुसुम? चलो आखिर अभय पकड़ा गया, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? गुमशुदा लोग जब मिल जाते हैं ना तो उसे पकड़े जाने ही कहते हैं। बस करिए कुसुम, मैं तुम्हें माना क्यों? बस करो, यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मानना चाहते थे? कुसुम मैं तुम्हें मानने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था।
पापा ये सब क्या हो रहा है? मैंने अभी एक आदमी का पीछा किया जिसके हाथ में चाकू था। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई तो मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम शिमला छोड़ के चल जाओ। कौन है जो मुझे मारना चाहते हो और क्यों? और तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानते हो? अब है इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं कुसुम, वो सवाल मुझसे मत पूछो। लेकिन प्लीज शिमला में तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यहां से चले जाओ। पापा आपने पहले भी एक वार्निंग दी थी ना, मैंने आपका वो नोट पढ़ा था। पापा ये सब क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? हां कर वो नोट मैंने छोड़ा। कोई ये देखकर गया मेरे लिए? मैंने कसम को मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई कसम को मारना चाहता है। शादी वाले दिन मुझे पता चल गया था कि कंपनी में प्रॉब्लम है, वो मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। इसी बारे में सोचा था कि एक लेडी का फोन आ गया मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तुम कौन? तुम मुझे अपना एक वेलविशर समझ सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। और तुम्हारी शर्त क्या है? तुम्हें अभी इसी वक्त शिमला आना होगा। अभी इसी वक्त? लेकिन इस वक्त कैसे आ सकता? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लाइट को अभी एक घंटा है, तुम यहाँ आराम से पहुँच सकते हो और चाहो तो रात को वापस मुंबई भी लौट सकते हो। लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ट्रस्ट मी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने सोचा कि उसी रात को शिमला से बॉम्बे वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब शिमला पहुंचा तो पता चला कि वो लेडी मुझे पैसे वैसे और मुझे पता था कि सिर्फ ताशु मेरी मदद कर सकती। ये सब सुनने के बाद भी तुम मेरा विश्वास नहीं करती हो कसम, तो पता नहीं मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं। जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है भाई तो तुम अपना काम खत्म करके मुंबई वापस आ सकते थे। शिमला में इतने दिनों तक रहने की क्या जरूरत थी? कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। मेरे इन सवालों का जब तुम जवाब दे पाओगे ना भाई, तब मैं तुम्हारा यकीन करूंगी। पापा, पापा ये सब क्या है? ये मेरी परीक्षा कर ली। कभी कभी इंसान एक ऐसे ऐसे घने कोहरे में घिर जाते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, और तब उसका मनोबल उसे निकाल सकता है। मिस्टर मल्होत्रा कहकर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया मुझसे? क्या अभय को भी मालूम था कि मिस्टर मल्होत्रा मल्होत्रा नहीं है, या फिर वो उसे मिस्टर खन्ना के नाम से ही जानता था? क्या उसे मालूम भी है कि मिस्टर खन्ना मिस्टर मल्होत्रा जो भी है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं? कुसुम चल, सब हमारा नीचे इंतजार करते हैं। कुसुम जी, आप यहां से कहीं नहीं जा सकते। क्यों इंस्पेक्टर? हमें मुंबई सीआईडी से खबर मिली है कि गोलू उर्फ राजीव पांडे का कहना है कि उसे पैसे देने वाला और कोई नहीं मिस्टर अभय कपूर ही थे, और हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है।
और आगे की इंक्वायरी के लिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप शिमला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुमसे एक खूनी कहे कि अभय कपूर ने उसे पैसे दिए तो आप उस बात पर यकीन कर लेंगे? आप उस बुनियाद पे मेरे पापा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन्हें कहीं अपनी जुबान पर लगाम दे, हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हमें आपको बुलाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये सब कौन करवा रहा है और किसका मकसद है ये। कौन वो करी? कुसुम देशमुख।